हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था, ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद, तो इसका क्या आंसर होगा? ये हाइड्रोलॉजी शुरू हो चुका है। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद रेन वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर और सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। ये है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोलॉजी। लॉजी मींस स्टडी, सो स्टडी ऑफ वाटर, विच वाटर, जो कि सरफेस पर है या अंडरग्राउंड है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी में आपको याद होगा हम सारा टाइम तो प्रेसिपिटेशन से होने वाला जो इन्फिल्ट्रेशन है या रन ऑफ है, यही पढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब हम सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं रन ऑफ, या फिर हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन और ग्राउंड वाटर जिसमें बेस फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है ये। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेन गेजेस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरियाज। द आंसर इज ट्रिपिंग बकेट टाइप। ट्रिपिंग बकेट टाइप, देखिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो रेन गेज होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और एक होता है रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, रिकॉर्डिंग। अब जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साइमंस, साइमंस रेन गेज। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉन रिकॉर्डिंग का यही है। बाकी जो रिकॉर्डिंग रेन गेज है, इसमें बाकी तीनों आते हैं, ट्रिपिंग, फ्लोटिंग, वेइंग, ये सब रिकॉर्डिंग रेन गेजेज है। और जो ये ट्रिपिंग बकेट टाइप है, ये आपको याद कर लो, ट्रिपिंग बकेट टाइप का एक ही क्वेश्चन आता है कि ये हिली टेरेन्स में यूज होता है, जो इनएक्सेसिबल होती है, जहाँ पर आप जा नहीं पाते, हिली टेरेन्स में। ठीक है, ट्रिपिंग बकेट टाइप याद रहेगा। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 92 का 2, ये याद रहेगा। ट्रिपिंग बकेट टाइप किसके लिए यूज होता है? हिली के लिए। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ये क्या है? द रन ऑफ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, इंक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इंक्रीज इन परमिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा इनमें से आंसर? रन ऑफ, रन ऑफ क्या होता है? जब बारिश होती है तो वो पानी जो कि अल्टीमेटली स्ट्रीम को ज्वाइन कर जाता है, तो रन ऑफ को बढ़ाना। ऑप्शन इज 1, इंटेंस, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, क्योंकि रेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रन ऑफ भी बढ़ेगा। अगर हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मान लो बढ़ जाती है, अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो फिर तो रन ऑफ कम हो जाएगा ना। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ने से मतलब पानी जल्दी से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा रन ऑफ। और अगर परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, मान लो अगर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ गई तो रन ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि इनफिल्टर ज़्यादा करेगा पानी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। तो हाइड्रोलॉजी हो गई है, अब आ गए हैं हम इरिगेशन पर। ठीक है, तो बेसिकली मुझे प्रीवियस लेक्चर में किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर आप सब्जेक्ट वाइज करें, तो सब्जेक्ट वाइज भी हमने वीडियोस बहुत डाल दी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कंप्लीट पूरा पेपर देखेंगे, हम जो मर्जी सब्जेक्ट आता रहे, बस हम अब क्वेश्चंस को करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, ये बेस्ट है। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। अगर आप ये सारी वीडियोज देख लोगे ना, कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाएगा आपको सडनली। ओके, देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा, आई होप कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका जब आप ये देख लेते हो वीडियोस, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, मान लो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करेंगे ना, तो पर्सन फील करता है कि यार ये तो मैंने तैयार किया था, इसके तो क्वेश्चंस हो ही जाने थे। बट जब कोई भी क्वेश्चन आने लगता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो ज़्यादा ब्रेन बिल्डअप होता है, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग बढ़ती है, सडनली ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यस, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, रिलेटिवली कम न्यूमेरिकल्स होते हैं, कभी कभी आता है, जैसे हमने अभी देखा कि दो तीन न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, SOM से आ जाते हैं या जियोटेक से आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, बाकी जनरली कम ही रहते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, देखते हैं, अ स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन वाटर टेबल इज लो, सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स, लैंड ग्रेडिएंट इज स्टीप एंड सॉइल इज ईजिली इरोडेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 94 का 4 होगा। The land gradient is steep
एंड सॉइल इज इजीली इरोडेबल। तो जब स्टीप होता है ना ऐसे, मतलब मान लो ये है ग्राउंड लेवल, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक तरह से रेन की तरह होता है, रेनफॉल की तरह, ऐसे पानी यहाँ पर और यहाँ पर रेन की तरह ये चारों तरफ स्प्रिंकल कर जाता है वाटर। और सॉइल इरोडेबल होती है ना जहाँ पर, तो वहाँ पर हम अगर पानी मान लो ऐसे बरसाएंगे तो सॉइल को इरोड कर देगा, तो इसलिए स्प्रिंकल करते हैं ऊपर से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। द टाइम फॉर प्लांटिंग टू हार्वेस्ट द क्रॉप, प्लांटिंग टू हार्वेस्ट इज कॉल्ड, कौन सा पीरियड होता है, बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड? ये और ये तो हो ही नहीं सकता, इसका बेस पीरियड आंसर है या क्रॉप पीरियड आंसर? इसका आंसर है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड होता है जिस टाइम पर हमने प्लांटेशन की है और हार्वेस्टिंग तक, मतलब उसको प्लांट को काट देने तक, प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक क्रॉप पीरियड। जबकि बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक। हालांकि जो फर्स्ट वाटरिंग होती है ना वो प्लांटेशन के टाइम पे ही होती है, बट जो लास्ट वाटरिंग होती है दैट इज जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दैट बेस पीरियड, जो बेस पीरियड होता है ना बीपी, वो क्रॉप पीरियड से कम होता है, थोड़ा सा ही कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो फर्स्ट वाटरिंग होती है वो तो प्लांटेशन के टाइम पे ही होती है, बट जो लास्ट वाटरिंग होती है वो हार्वेस्टिंग से थोड़ा पहले होती है। सो बीपी इज स्लाइटली लेस देन सीपी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप पीरियड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। सो 96 एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये करें सॉल्व। ये न्यूमेरिकल आ गया है, तो मेरे से पूछ रहे थे अभी न्यूमेरिकल आता है कि नहीं आता, ऐसे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सो इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 8.64 सेंटीमीटर ऑन अ फील्ड ओवर अ बेस पीरियड ऑफ 10 डेज, देन द ड्यूटी इज, निकालें इसको, कितनी ड्यूटी होगी, ड्यूटी मतलब कितना एरिया होगा पर क्यूमेक, पर क्यूमेक मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से। सिंपल है, देखिए जब भी हमें ड्यूटी निकालनी होती है तो आप ऑप्शंस में ही देख सकते हैं, पर क्यूमेक है मतलब डिस्चार्ज कितना है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं इसमें ना फॉर्मूला नहीं याद कराऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स 8.64 और ऐसा वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने की। आप सिंपल क्या याद रखो कि जो डिस्चार्ज होगा उसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, यही होगा ना, तो एरिया इंटू डेल्टा, डेल्टा ही होता है ये मतलब डेप्थ। तो अब आपको एरिया निकालना है हेक्टेयर्स में। सो मान लो ये आप रखो, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है और एरिया आप लिख लो एच हेक्टेयर्स, तो एच इंटू 10^4 हो जाएगा ये, क्योंकि आपको बेसिकली 1 हेक्टेयर में पता होना चाहिए 10^4 मीटर स्क्वेयर होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा कितना है 8.64 सेंटीमीटर, तो 8.64 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, क्योंकि आपको सब कुछ एसआई यूनिट्स में रखना है, समझ गए? तो आप समझ गए ना, हेक्टेयर सा एच, 1 हेक्टेयर इज 10^4 मीटर स्क्वायर, सो एच इंटू 10^4 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 8.64 सेंटीमीटर, सो 8.64 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया मीटर्स में बनाने के लिए, सब कुछ एसआई यूनिट में कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप एच निकाल लो कितना आएगा, सो अल्टीमेटली एच कैन बी फाउंड, कितना आ जाता है एच, बट ये ध्यान रखना यहाँ पर हमने एरिया इंटू डेल्टा किया है बट हम टाइम को भूल गए हैं, तो ये क्यू 1 इंटू टाइम जरूर कर लेना, ये सॉरी यहाँ पर टाइम जरूर कर लेना, क्यू इंटू टाइम, तभी तो वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, एरिया इंटू डेल्टा। सो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड को, ये 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसको टाइम से जरूर मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसको हल्का सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो आप जाएंगे ना यहाँ पर लिख लो, टाइम को लिख लेना आप, 10 डेज है, सो 10 इंटू डेज में कितने होते हैं, 24 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स, ये भर लेना, दिस इज इक्वल टू एच इंटू 10^4 इंटू 8.64 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से निकालो एच, अब आ जाएगा, अब ये 8640 हो जाता है ये 864 बन जाएगा, 100 ये बन जाता है, आई थिंक ये बन जाएगा 1000, ये 1000 बन जाएगा, इसका 96 का आंसर है 4, क्योंकि आप देख रहे हो ये 864 बना ना, ये 100 से ये कटा तो ये 864 आ गया, और ये होता है 8640, सो 8 से 10 हो गया तो इसलिए 1000 आ गया। ओके,
आगे देखते हैं, 97 क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ फॉर कोर वाटरिंग फॉर अ राइस क्रॉप इज, राइस के लिए जो पहली बात कोर वाटरिंग क्या होती है, जो पहली बार हम वाटरिंग करते हैं, तो राइस के लिए जो ऑप्टिमम डेप्थ है ना वो स्टैंडर्ड है 19 सेंटीमीटर, याद कर लो। राइस ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, ये एसएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी में भी आता है ये क्वेश्चन। तो ये राइस के लिए जो ऑप्टिमम डेप्थ है कोर वाटरिंग की वो है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, 97 का 3 होगा। ये इजी इजी सा क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 फॉर सीरियल क्रॉप्स, ये शायद रीडेबल नहीं होगा, ये सीरियल है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही है, जैसा हमारे पास आया है वही क्वेश्चन पेपर है ये। फॉर सीरियल क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड ऑफ इरीगेशन इज, सो सीरियल क्रॉप्स होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करता है, जैसे वीट, बार्ले, मेज, मक्का, ये सब सीरियल क्रॉप्स हैं, तो इनके लिए हम कौन सा मेथड ऑफ इरीगेशन अडॉप्ट करते हैं, क्या इनके लिए हम फरो करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं, चेक करते हैं या फ्री फ्लडिंग करते हैं। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है चेक बेसिन मेथड, ऑप्शन वन, चेक मेथड, हम चेक बेसिन यूज करते हैं हम। आपने देखा होगा जैसे वीट, आपने कभी देखी है वीट में इरिगेशन कैसे होती है, जहाँ पर वीट उगाते हैं, कनक उगाते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर चेक बेसिन बनाए होते हैं, चेक मेथड होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आपको याद रखना है, सीरियल क्रॉप्स के लिए चेक बेसिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लड डिस्चार्ज क्यू इन क्यू मैक्स अकॉर्डिंग टू डिकेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय, तो ये जो है ना ये एक बड़ा सरप्राइज क्वेश्चन था, कभी कभी जेई में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, सरप्राइज क्वेश्चन था। इसके अंदर आप ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है, जस्ट आपको याद ही करना है, डिकेंस फार्मूला से हमें डिस्चार्ज मिलता है, फ्लड डिस्चार्ज मिलता है, और वो आता है सी एरिया टू द पावर 3/4। सो ये आपको बस याद करना है, यस संजय यू आर करेक्ट, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, सी ए टू द पावर 3/4, ठीक है, ये फ्लड डिस्चार्ज आप याद कर लेना। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट कभी कभी आ जाते हैं, अगेन इस तरह के क्वेश्चंस रैंक डिसाइडर होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं आता, वो तैयारी नहीं करके जाते इसकी, तो वो रैंक डिसाइड ऐसे क्वेश्चंस कर जाते हैं, ठीक है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट इस क्वेश्चन को ख़त्म करने से के बाद मैं आपसे दो मिनट कुछ बात करूँगा, आपके कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा, अगर आपको पढ़ना कैसे है वो भी मैं करूँगा, तो इसलिए इसको करने के बाद एकदम से जाना मत आप। द क्वान्टिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सब सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन सा होता है, यील्ड, पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड या स्पेसिफिक रिटेंशन, कौन सा होता है इसमें, स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन मतलब रिटेन, तो जब पानी को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेता है वो होता है, कहता है यील्डिंग, दैट इज कॉल्ड यील्डिंग, और जो रिटेन कर जाता है पानी अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को रिटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है। जैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर। सो विद दिस मैं इस लेक्चर में सभी 20 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, कल मैं सुबह 12 बजे फिर से आऊँगा सेम टाइम पर। अब आपका ये टाइम फिक्स हो जाना चाहिए, देखिए इंडिया में अब 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, आपको सबको पता है 21 डेज के लिए आप घर से बाहर ना निकलें तो सबसे अच्छा है, आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए, आपके लिए, आपके फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए, आपको घर पर ही रहना है, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। अब घर पर रहकर आप अपने अंदर स्किल्स ऐड करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी प्रिपरेशन चालू रखो ना, कोई डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुझसे पूछो, और कम से कम cizplus.com पे जो फ्री टेस्ट सीरीज है ना, फ्री टेस्ट सीरीज है वो तो ज्वाइन कर लो, उसको तो अटेम्प्ट कर लो कम से कम, फ्री टेस्ट सीरीज के तो सारे क्वेश्चंस अपीयर कर लो, उसके तो सारे क्वेश्चंस दे लो, हर क्वेश्चन हर पेपर 10 क्वेश्चंस का है, क्विज है छोटा सा, सिर्फ 10 क्वेश्चंस का है, सो वो 10 क्वेश्चंस का जो है 12 मिनट में क्विज हो जाता है, वो आप कम से कम बार बार सारे पेपर के बार बार दो, वो याद कर लो, और अगर वो अच्छा लगे, फ्री टेस्ट सीरीज अच्छी लगे, तो फुल टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट पर है, फुल टेस्ट सीरीज ले लो, और टेस्ट देने से पहले अगर आप कंप्लीट कोर्स ले लोगे
तो वो बहुत अच्छा है। उस कोर्स में मैं सभी सब्जेक्ट्स को 5 से 6 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा। वो अगर आपने एक बार सुन लिए, ध्यान से अगर आपने सुन लिया तो हो जाएगा। अभी जाओ sizplus.com पर जाकर साइन अप करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइन अप करके बैठ गए हैं बट उन्होंने कोर्स नहीं लिया। कोर्स लो, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। मुझे पता रखता है, मैं रेगुलर खुद चेक करता हूँ कि कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट कितना कोर्स, कितना परसेंट कोर्स देख चुका है। मुझे पता लग जाता है कि कितना परसेंट कोर्स उसने कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट को खुद भी पता लग जाता है। तो मैं रेगुलर मॉनिटरिंग करता हूँ, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, सो ओके, थैंक्स। हम वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए।